अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोरान और एल्युमिनियम वाला, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड ऑफ बोरान, और उनमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोरान हाइड्राइड्स को, और जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइबोरेन्स को। बोरान हाइड्राइड्स मेनली डाइबोरेन्स की हम बात करेंगे। बेसिकली व्हाट आर हाइड्राइड्स? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कह देते हैं हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स दीज वर नोन एज हाइड्राइड्स। एंड इफ द बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरान विद हाइड्रोजन, इफ बोरान कैन फॉर्म अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन देन दीज वर नोन एज बोरान हाइड्राइड्स। अगर यही कंपाउंड बोरान के हाइड्रोजन के साथ होंगे तो इनको आप कह देते हैं बोरान हाइड्राइड्स, और सिंपली दीज वर नोन एज बोरेन्स। सो अगेन स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट आर बोरेन्स। बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ बोरान विद हाइड्रोजन, द कंपाउंड ऑफ बोरान ऑफ हाइड्रो विद हाइड्रोजन, द एनालोगस कंपाउंड ऑफ बोरान विद हाइड्रोजन, दीज वर नोन एज बोरेन्स और अ डाइबोरेन्स, और दीज वर नोन एज अ बोरान हाइड्राइड्स एंड दीज वर नोन एज अ बोरेन्स। सो बोरेन्स फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू क्लासेस। बोरेन्स को क्लासीफाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि कंपाउंड ऑफ बोरान विद हाइड्रोजन दीज वर नोन एज बोरेन्स, दीज वर नोन एज डाइबोरेन्स, दीज वर नोन एज बोरान हाइड्राइड्स। सो बेसिकली दीज वर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स। अब इनको क्लासिफिकेशन के हमारे पास कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन देखिएगा, मैं यहाँ पे ज़रा क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लासिफिकेशंस, बोरेन्स कंपाउंड, डाइबोरेन्स कंपाउंड और कंपाउंड ऑफ बोरान विद हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दोज हैविंग अ दिस फॉर्मूला BN HN plus 4 and BN HN plus 6. In this compound, N is equal to, अब इन कंपाउंड्स में आपके पास N किसके बराबर हो सकता है? 2, 5, 6, 2, 5, 6, 8 and 10। इन दिस फार्मूला द बोरेन्स विद दिस फार्मूला कंटेन N इज इक्वल टू 2, 5, 6, 8 and 10। इफ वी आर गोइंग टू पुट N इज इक्वल टू 2, अगर अब इस फार्मूले में आप N को 2 पुट करते हैं तो देखिएगा जरा आपके पास फार्मूला क्या बनेगा। इफ नंबर वन, इफ N इज इक्वल टू 2 देन द कंपाउंड इज बी टू एच 2 प्लस 4 एच 6। नंबर टू, इफ N इज इक्वल टू 5 then the compound is B5H5 plus 4 H9. if number 3 N is equal to 6 then compound going to be a B6H10. And the name of these compound are given as this compound consider as diborane. जब आपके पास ये B2H6 है तो ये आपके पास क्या बन गया? डाइबोरेन। और अगर आपके पास ये B5H9 है तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? पेंटाबोरेन, पेंटाबोरेन। और स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें N इज इक्वल टू 6 तो ये आपके पास क्या बन गया? हेक्साबोरेन, हेक्साबोरेन। सो
वी हैव क्लासिफाइड बोरेन इंटू टू क्लासेस. नंबर वन, अ कंपाउंड हैविंग अ फार्मूला बी एन एच एन प्लस फोर एंड अ कंपाउंड हैविंग अ फार्मूला बी एन एच एन प्लस सिक्स. द बोरेन विद दिस फार्मूला बी एन एच एन प्लस फोर दीज आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी एन एच एन प्लस सिक्स. ये वाले जो कंपाउंड है ये एन प्लस सिक्स वाले से क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे. एंड दीज वर क्लासिफाइड एज अ डाइबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ईटीसी. दीज वर द कंपाउंड विद दिस फार्मूला. हमने एक्सप्लेन किया किसको, बी एन एच एन को प्लस एच एन प्लस फोर वाले को. और इस कंपाउंड में एन क्या हो सकता था, टू फाइव सिक्स. अगर स्टूडेंट आप यहां पे एट पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बी एट एच फोर्टीन, तो ऑक्टाबोरेन. डिटेल में रिमेनिंग को आप लोग जरा देख लीजिएगा. अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, बी एन एच एन प्लस सिक्स. तो जरा ऑब्जर्व कीजिएगा इसमें क्या है हमारे पास. बोरेन विद फॉर्मूला बी एन एच एन प्लस सिक्स. सो फॉर दिस कंपाउंड बोरेन विद दिस फॉर्मूला बी एन एच एन प्लस सिक्स, एन इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स नाइन एंड टेन. और यहां पे एन की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, फोर फाइव सिक्स नाइन एंड टेन. बोरेन विद दिस फार्मूला हैव वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स नाइन एंड टेन. सो बाई यूजिंग द बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन वी कैन डिटरमाइन बोरेन विद डिफरेंट फार्मूलाज. सो लेट्स स्टार्ट. इफ एन इज इक्वल टू फोर फॉर नंबर वन, देन इट विल बिकम बी फोर एच टेन. इफ n is equal to 5, then it will become b5 h11. And if value of n is equal to 6, then it will become b6 h12. And if n is equal to 9, then it's equal to B9 H15. अब हमने क्लासिफिकेशन की बात की बी एन एच एन प्लस सिक्स के लिहाज से. अगर हम बात करें when we substitute the value of n 4, 5, 6, 9 to 10, then the compound form these were B4 H10 which is a tetraborane, B5 H11 which is a pentaborane, B6 H12 which is hexaborane, etc. These compound are unstable. It's a gas, liquid, and then become a solid. Then become a solid. And the compound with this formula are unstable. Yaad rakhiyega. बोरान के कंपाउंड जो इस फार्मूला के साथ होंगे वो अनस्टेबल होंगे. और बोरान के कंपाउंड विद दिस फार्मूला सी एन एच एन प्लस फोर दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स. ये वाले जो स्टूडेंट्स कंपाउंड होंगे दीज वर हाईली स्टेबल. ये स्टेबल होंगे और ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, द बोरेन कंपाउंड विद दिस फार्मूला. सो Borans are the compound of boron with hydrogen. The compound of boron with hydrogen, these were known as borans. These are a diborane, triborane, tetraborane, pentaborane, hexaborane, heptaborane, octaborane, nonaborane, decaborane, etc. Students, so we have classified a borane into two classes. Number one is those having a formula CnHn plus 4 and those having a formula, sorry to say, Bn HN plus 4 and BN HN plus 6. The borane with according to this formula, these are stable. Borane according to this formula with BN HN plus 6, these are highly unstable. Now next
टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ बोरेन, हाउ बोरेन्स आर प्रिपेयर्ड। सवाल ये है कि आप बोरेन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बोरेन, नंबर वन मेथड इज अ स्टोक मेथड। स्टोक मेथड में वी यूज मेटल बोराइड्स, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल बोराइड्स एंड देन दीज वर रिएक्टेड विद एसिड एंड रिड्यूस टू अ बोरेन, डाई बोरेन। अब हम अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास है मैग्नीशियम बोराइड। व्हेन मैग्नीशियम बोराइड इट हाइड्रोलाइसिस एंड देन व्हेन ट्रीटेड विद HCl देन इट गिव डाई बोरेन। यहां से हमें क्या मिला, डाई बोरेन। सिंपल क्या हुआ है, मैग्नीशियम बोराइड की आपने हाइड्रोलाइसिस करवाई, फिर उसको HCl के साथ ट्रीट करवाया, तो यहां से आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, डाई बोरेन। और यहां से याद रखिएगा, इसको हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन। यहां से इस कंपाउंड की सेपरेशन होती है डिस्टिलेशन के साथ। अदर बोरेन्स आर आल्सो फॉर्म्ड, वो यहां पे मैंने शो नहीं किए, जस्ट मैंने जो मेन टॉपिक था उसको डिस्कस किया है कि जब आप इन स्टोक मेथड मैग्नीशियम बोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड विद द ट्रीटमेंट ऑफ HCl गिव अ डाई बोरेन। नंबर वन मेथड इज दिस। नंबर टू मेथड, रिडक्शन ऑफ BF3 एंड BCl3, टू कंपाउंड्स BF3 एंड BCl3। व्हेन BF3 रिड्यूस्ड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, जब आप इसको NaBH4 की मौजूदगी में रिड्यूस करवाएंगे तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी किस में, B2H6 में। अगेन देख लें, BF3 रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन ethereal सोल्यूशन एंड गिव B2H6 विच इज अ डाइबोरेन एंड ऑल्सो गिव सोडियम बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड, सोडियम बोरो टेट्रा फ्लोराइड। एंड इन द नेक्स्ट कंपाउंड BF3 विद द रिडक्शन ऑफ लिथियम हाइड्राइड इट गिव डाइबोरेन। अगेन हमें यहां से क्या मिल रहा है, डाइबोरेन मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले BF3 की रिडक्शन हुई NaBH4 की मौजूदगी में, वहां से भी आपको क्या मिला, B2H6। फिर BF3 की रिडक्शन हुई लिथियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, इट गिव्स अगेन बोरान हेक्सा बोरान हाइड्राइड विच इज अ डाइबोरेन। यहां से अगेन आपको बोरान हाइड्राइड मिला जो कि क्या था, डाइबोरेन था। अब हम रिडक्शन करते हैं BF3 की विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नंबर वन में आपने BF3 की रिडक्शन की है स्टूडेंट्स सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ और लिथियम हाइड्राइड के साथ। नंबर टू में आप क्या करने जा रहे हैं, इसकी रिडक्शन करने जा रहे हैं विद सोडियम लिथियम विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब आप BCl3 की रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आप BF3 ले लें या BCl3 ले लें, प्रोडक्ट आपके पास सेम बन जाएगा स्टूडेंट्स। जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर तो आप BCl3 ले रहे हैं और इसकी जब रिडक्शन होगी तो किस में हो जाएगी, B2H6 में। साथ आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ आपके पास बन गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हेलाइड। द नेक्स्ट मेथड विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरान हाइड्राइड इज इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। When both of the boron trichloride and hydrogen mix up and electric discharge is applied, then it reduces to a diboron. जब आप क्या करते हैं BCl3 को और हाइड्रोजन को मिक्स करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में वी हैव डिस्कस अ फोर मेथड्स। नंबर वन इज अ स्टोक मेथड, नंबर टू रिडक्शन ऑफ BF3 इन अंडर डिफरेंट कंडीशन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड विद लिथियम हाइड्राइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन वर मिक्सड इन अ ट्यूब एंड व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड देन B2H6 इज ऑब्टेंड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन को, डिस्कस किया बोरॉन हाइड्राइड्स की डेफिनेशन को, फिर उसकी क्लासिफिकेशन जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की, देन आई हैव डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेन्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।